नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वारंट वर्सेस फैक्ट में। आज सुबह 3:30 बजे कांग्रेस को लगा एक बहुत बड़ा झटका, झटका अहमद पटेल की मौत से। उसके बाद बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें अपने पिता अहमद पटेल को आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। अहमद पटेल को गुजरात के बरूच स्थित उनके पैतृक गांव पिरामन में भेजा गया है। अहमद पटेल की ये इच्छा थी कि उन्हें उनके माता पिता के साथ ही दफन किया जाए, जिसके बारे में उन्होंने अपने बेटे से कहा था। फैजल पटेल ने ट्वीट करके ये बात लोगों को बताई है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहा हूँ। फैसल पटेल ने कहा कि 25 तारीख को सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया है। फैसल पटेल ने कहा कि लगभग 1 महीने पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों का काम करना बंद कर दिया था और वे मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी शिकार हो गए थे। फैसल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश के कई बड़े राजनेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने एक ट्वीट कर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। तब दिग्गज कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जो जो मेरे नजदीकी संपर्क में आए हैं वो खुद को भी आइसोलेट कर लें। फैसल पटेल ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल्स का पालन करें और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। गुजरात से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोध्यक्ष रहे अहमद पटेल को 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल की आईसीयू में भी भर्ती करा दिया गया था। खैर, 2020 में कांग्रेस को बड़े बड़े झटके लगे हैं। जहां बहुत सारे नेताओं ने अपनी पार्टी बदल ली, तो वहीं बहुत सारे नेताओं के निधन भी हो गए। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।